हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज मैं क्लास 8 स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 16 पेज नंबर 139 का 16 से 20 तक सम्स करने वाले हैं। 16 नंबर सम्स क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स कॉमा एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स कॉमा एक्स टू द 4 माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस 14 एक्स स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड, ये थर्ड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखे, ये लिखे, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, एक्स कॉमन जाएगा, बचेगा क्या, एस स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये लिखेंगे एस स्क्वायर, लिखे एस स्क्वायर, 10 को ब्रेक कीजिए तो 5 2 10 होता है, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 लिखे। अब लिखेंगे x, और ये एस स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो 5x, ये माइनस है तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x। अब देखिए 5 में से 2 चला गया तो 3 आएगा, माइनस में माइनस 10, ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट ही होगा। x लिखेंगे, अब देखिए इसमें क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, तो इसमें x कॉमन, x माइनस 5 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन जा रहा है, 2 जा रहा है, तो x माइनस 5 लिखे। अब लिखिए x, और ये दो बार है तो एक बार लिखेंगे ना, x माइनस 5, और ये बचा x प्लस 2, ये होगा। अब सेकंड एक्सप्रेशन, इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स लिखें। अब देखिए इसमें x कॉमन जा रहा था, x कॉमन लिखें, एस स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर कीजिए तो लिखेंगे x, देखिए 4 2 8 होता है, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 लिख दिए। x लिखेंगे, अब लिखिए एस स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई से कीजिए तो 4x प्लस 2x प्लस 8 लिखें। अब देखिए x लिखें, कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 लिख दिए। अब करेंगे x, यहाँ लिखेंगे x प्लस 4, x प्लस 2, क्योंकि देखिए दो बार है तो एक बार लिखेंगे और x प्लस 2 हुआ। अब थर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे, इक्वल टू ये होगा x टू द 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर। देखिए इसमें क्या कॉमन जाएगा, एस स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा एस स्क्वायर, 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा एस स्क्वायर 5x माइनस 14। देखिए अब क्या करेंगे, एस स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर 14 को ब्रेक कीजिए तो 7 2 14 होता है, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 7 माइनस 2 एक्स फिर 14, ये क्लोज, ये एस स्क्वायर, ये लिखिए एस स्क्वायर माइनस 7 एक्स, ये माइनस हो तो प्लस 2 एक्स माइनस 14 लिखे। अब देखिए एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये आपका एक्स कॉमन जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 7, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 कॉमन जाएगा तो 2 लिखे, एक्स माइनस 7 का 14 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 2 का टेबल में 14 7 बार में, यहाँ लिख दिए। अब x इंटू एक्स लिखिए, अब x माइनस 7 और x प्लस 2 लिखिए, लिख दिए। अब देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में x प्लस 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड SCF इक्वल टू, पहले देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें भी एक x है, तो यहाँ लिखेंगे x और x प्लस 2 लिखेंगे, यही आंसर होगा। नंबर सम्स क्या आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और
ए कॉमा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी। तो देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखिए, अब देखिए कैसे कर दिएगा, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको एक फार्मूला में लाने के लिए टू ए बी को बीच में ला दिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लास्ट में। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, माइनस लिखे अब सी का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये हो गया पूरा को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना, तो ए प्लस बी ए लिखे माइनस प्लस बी लिख दिए, ए लिखे फिर प्लस बी फिर ए लिखिए माइनस बी हो गया। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये बी सी है तो बी सी में आएगा, तो ए स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिए। अब ये माइनस है ना, माइनस लिखेंगे बी स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करेंगे पहले ये कीजिए, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर लिखें माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस सी स्क्वायर। देखिए तो इसको ए का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस, ये बी है ना तो बी का स्क्वायर कीजिए और ये माइनस है तो ये आप ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, बी स्क्वायर लिखें, ये माइनस है तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा टू बी सी और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस टू बी टू ए बी होता है ना प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस लिखें, अब माइनस का नहीं है साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस हो जाएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा। अब देखिए ए का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये लिखिए ये पूरा ए है ये पूरा बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस में ना, ए लिखिए प्लस बी लिखें फिर लिखेंगे ए माइनस बी लिखें। अब लिखिए ए प्लस बी माइनस सी लिख दिए, अब लिखिए ए माइनस ये बी है बी लिखेंगे और ये माइनस है ना तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस सी, ए माइनस बी और ये माइनस था तो प्लस हो गया तो लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें जो मिलेगा वही एस सी एफ होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी नहीं है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी और तो कुछ नहीं मिल रहा, तो लिखेंगे देयर फॉर द रिक्वायर्ड एस सी एफ इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, यही आंसर लिखेंगे, इसी तरह बनाइएगा। समझिए आपका फोर एस स्क्वायर माइनस वन कॉमा एट एक्स क्यू प्लस वन कॉमा फोर एस स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। देखिए ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखे ये लिखे। अब देखिए फोर एस स्क्वायर है ना माइनस वन है, तो यहाँ टू एस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए टू का स्क्वायर किए तो फोर आया और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिए। अब सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है आपका एट एक्स क्यू प्लस वन, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, एट किसका होता है टू का क्यूब होता है ना, टू टू जा फोर फोर टू जा एट, टू एक्स का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा एट एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब का वन का क्यूब कर दिया तो वन का क्यूब वन ही होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, तो लिखेंगे टू एक्स प्लस वन और टू एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे उतना होगा फोर एस स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आएगा हो गया। अब थर्ड एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या है आपका फोर एस स्क्वायर
प्लस फोर एक्स प्लस वन। देखिए तो इसको मिलिंग फैक्टर करेंगे, फोर वन जब फोर होता है ना तो टू टू जब फोर होता है तो फोर एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस टू प्लस टू और एक्स लिखेंगे प्लस वन, तो यहाँ लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, टू एक्स कॉमन जाएगा, बचेगा टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या वन कॉमन कुछ नहीं जा रहा तो वन लिखेंगे टू एक्स प्लस वन। देखिए तो टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, देखिए ये दो बार था, ये को लिखे और ये बचा तो ये लिखे। तो देखिए तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू क्या मिल रहा, देखिए टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स प्लस वन लिखेंगे, यही आंसर आएगा। नंबर सम्स का आपका एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स कॉमा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स कॉमा टू एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखे, ये लिखे, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स कॉमन जा रहा है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन जा रहा है, ये लास्ट में क्या है एक्स एक है तो एक्स कॉमन जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इसको फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर, तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सिक्स को तोड़िए मतलब सिक्स को ब्रेक कीजिए, थ्री टू जा सिक्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस थ्री प्लस टू और एक्स प्लस सिक्स, लिखे एक्स लिखिए, फिर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये माइनस है तो प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, यहाँ एक्स लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए एक्स कॉमन जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस थ्री और माइनस टू, तो यहाँ पे x और ये माइनस है तो प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और टू का जब हम सिक्स ना थ्री बार में, देखिए दोनों मिल गया ना, तो सवाल सम्स आपका सही है। अब लिखिए x माइनस थ्री एक बार और x माइनस टू लिख दिए। अब सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल टू ये क्या है आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन क्या थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, तो देखिए इसमें क्या कॉमन जा रहा है आपका एक्स कॉमन जा रहा है ना, एक्स कॉमन लेंगे और थ्री भी कॉमन जा रहा है तो थ्री भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बचेगा और माइनस थ्री के टेबल में सिक्स कितना टू बार में आता है, लिखेंगे टू एक्स माइनस टू, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे थ्री इंटू एक्स और एक्स माइनस टू लिख दिए। अब थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, देखिए लिखा हुआ टू एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, तो देखिए कैसे करेंगे, उसमें क्या कॉमन जा रहा है टू कॉमन जा रहा है, तो टू कॉमन लेंगे और एक्स कॉमन जा रहा है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का टेबल में फोर, एट कितना बार फोर बार में, और एक्स तो कॉमन ले ही लिए थे तो एक्स बचेगा और प्लस टू का टेबल में एट कितना फोर बार में और एक्स तो कॉमन ले लिए थे तो ये बचा। अब लिखिए टू एक्स और ये फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर टू टू जब फोर होता है माइनस टू प्लस टू ब्रैकेट में किए एक्स लिखे प्लस फोर लिखिए टू एक्स और लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर लिखे और टू एक्स लिखेंगे और इसमें देखिए एक्स कॉमन जा रहा है तो एक्स माइनस टू कॉमन लेंगे तो एक्स और ये माइनस है तो प्लस साइन क्या जाएगा माइनस और टू का टेबल में फोर कितना टू बार में देखिए दोनों मिल गया राइट है। अब यहाँ लिखेंगे टू इंटू एक्स और ये एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू ये कर दिए। अब देखिए मसा पर क्या आएगा एस सी एफ क्या आएगा ये लिखेंगे therefore the required HCF equal to देखिए क्या मिल रहा है x है इसमें, इसमें भी x है और इसमें भी x है तो x लिखेंगे और फिर देखिए x माइनस टू इसमें भी है, x माइनस टू इसमें भी है, x माइनस टू इसमें भी है तो x माइनस टू लिखेंगे यही आंसर लिखेंगे। 20 नंबर सम्स क्या आपका ए क्यू प्लस बी क्यू कॉमा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू कॉमा ए टू द फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द फोर। फर्स्ट एक्सप्रेशन ए क्यू प्लस बी क्यू लिखे
अब देखिए क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ये होता है, यही लिखिएगा। अब सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन जा रहा है, ए है इसमें, इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, तो बी कॉमन जा सकता है, तो बी ए की जा सकता है, मतलब इसमें देखिए ए की बी है, इसमें दो बी है, इसमें तीन बी है, तो एक बी कॉमन ले जा सकते हैं, तो ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस ए और ये बी बचेगा, एक बी तो चला गया कॉमन, प्लस और यहाँ कितना बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, ये बस। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, देखिए थर्ड एक्सप्रेशन इक्वल टू ए टू द फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द फोर। देखिए तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस टू ए बी, टू लिखे फार्मूला में लाने के लिए, टू और ए मेरा ए है तो ए स्क्वायर लिखेंगे और बी मेरा बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखे, मगर यहाँ पे क्या है मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मगर यहाँ पे आ गया टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका एक फार्मूला हो गया। तो ये घटा देंगे, इससे घटा देंगे तो एक आ जाएगा ना प्लस में, तो ये हो गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मान लीजिए पूरा ए और इसको मान लीजिए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख दिए। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, देयर फोर द रिक्वायर्ड एस सी एफ इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, मिल रहा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।